मैं लोगों को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकती बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू जज मी। मैंने सुना है इस बीमारी से जूझने वाली महिलाओं के बच्चे नहीं होने चाहिए। वो मुझे किचन से बाहर रखते हैं और मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। किसी को भी मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। आई हैव फेल्ट आइसोलेटेड, अलोन, अशेम्ड एंड स्टिग्मेटाइज्ड। आई एम नॉट वर्दी ऑफ ग्रेटर एंड लॉन्गर लाइफ, नॉट वर्दी ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड सक्सेस। कोई प्रेग्नेंट महिला आखिर ये सब क्यों बोलेगी? ऐसी कौन सी बीमारी से वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जूझ रही थी? We know pregnancy is an extraordinary experience. Pregnancy is different for every woman, and for every woman, every pregnancy can be different. Now let's get started and discuss in the detail. यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। ये महिला अपनी प्रेगनेंसी के रेगुलर चेकअप के लिए हमारे हॉस्पिटल आई। हमने इनके ब्लड टेस्ट कराए। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी प्रेगनेंसी HIV पॉजिटिव प्रेगनेंसी है। ये जानकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एंड मेनी टाइम्स शी आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन, क्या मेरा बेबी हेल्दी होगा? कहीं उसको भी तो HIV नहीं हो जाएगा? हमने इनको समझाया दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। मैनी वुमेन लिविंग विद HIV हैव अ हेल्दियर प्रेगनेंसी एंड हेल्दियर बेबी। अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रॉपर मेडिसिन लेती हैं तो हो सकता है आपके बेबी को HIV ना हो और वो हेल्दी रहे। आफ्टर दैट वो रेडी हुई अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। बट कई केसेस में फीमेल्स को पता ही नहीं होता। That's why सारी प्रेगनेंट फीमेल्स में जब भी वो अपनी एंटीनेटल विजिट्स के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, उनको HIV टेस्ट कराए जाते हैं। आइडियली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वायरल लोड नेगेटिव होना चाहिए। उसके लिए ही HIV की मेडिसिन को पहले ही ले लेना चाहिए। बट कई बार पता ही नहीं होता। सो जब भी आपको इसका पता लगे तब से ही HIV की दवाओं को कंटिन्यू कर देना चाहिए। इन दवाओं का बेस्ट पार्ट तो ये है कि इनका प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इनको प्रॉपर लेने से वायरल लोड कम हो जाता है और बच्चे में डिलीवरी के दौरान होने वाले ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। इन दवाओं को डिलीवरी के बाद भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाले ट्रांसमिशन से बचाने के लिए कंटिन्यू करना जरूरी होता है। दवाओं को लगातार लेने की वजह से इनका वायरल लोड बहुत कम हो गया था, बट फिर भी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हमने खुद के बचाव के लिए HIV किट को पहना। और स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर इनका सिजेरियन परफॉर्म किया गया। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। जब इनके बच्चे के HIV टेस्ट कराए गए तो वो नेगेटिव थे। Thank you.
HIV से पीड़ित महिलाओं की जर्नी की भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। टाइमली डॉक्टर की एडवाइस से और सही दवाओं के इस्तेमाल से। यदि आपके आसपास भी कोई महिला HIV से सफर कर रही है तो उसके साथ अच्छे से पेश आइए और डिमोटिवेट करने की जगह सपोर्ट करें। एक एक के सही होने से चीजों को बदला जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।